पानीपत में जो गैंगरेप वाला मामला सामने आया था, उस मामले को लेकर राजनीति खूब शुरू हुई थी। सवाल उठाया गया था कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है कहाँ, जवाब वो खुद दे रही है पहुंचकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेनू भाटिया पहुंची उसी जगह, नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन पानीपत की एक ऐसी जगह जहां पर वो महिलाएं थी जो गैंगरेप से पीड़ित थी। उन महिलाओं से मुलाकात करने के लिए, उन परिवार से मुलाकात करने के लिए पुलिस साथ में मौजूद थी, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे और ये मुलाकात रेनू भाटिया की करवाई गई। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं, उस परिवार से मुलाकात करने पहुंची है। ढांढस बनाया गया, सामूहिक दुष्कर्म का मामला था। रेनू भाटिया को लेकर भी सवाल उठाए थे कांग्रेस के विधायक ने कि आखिरकार क्यों वो नहीं आ रही हैं, क्यों उन्होंने बातचीत नहीं कही। और रेनू भाटिया यहाँ पर जब पहुंची तो उन्होंने हालचाल जाना और ये भी आश्वासन दिया कि इंसाफ वो दिलवा कर रहेंगे उन महिलाओं को, जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पानीपत पुलिस कड़ी मशक्कत तो कर रही है लेकिन कोई खास कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई। टीमों का गठन भी कर दिया गया, हालांकि पानीपत के SP खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, संज्ञान में ले रहे हैं और टीमें लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों तक, उन वैश्य दरिंदों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। रेनू भाटिया ने यहाँ पहुंचकर क्या कहा वो सुनवाते हैं। बात की पूर्ति नहीं हो सकती कभी भी, महिलाएं इस तरह से जो खो देती हैं उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन इन फ्यूचर उनकी सुरक्षा रहे, उनका हौसला बना रहे, उनको आगे मजबूत किया जाए, इसके लिए बात की जाएगी और कुछ उनका सपोर्ट हम कर पाएँ इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं।